राजकीय चिकित्सालय के बाहर आशाओं का हंगामा, चिकित्सक पर लगाए अभद्र व्यवहार के आरोप। बाड़मेर शहर के मातृ एवं शिशु राजकीय अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए आशा सहयोगिनियों ने एक चिकित्सक पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। आशाओं ने बताया कि जिले भर में आशा सहयोगिनी 9 माह गर्भवती की जाँच, टीकाकरण, डिलीवरी के समय साथ रहकर काम करती है, लेकिन डिलीवरी के समय जब आशा अपने मरीज गर्भवती को लेकर अस्पताल आती है तो डॉक्टर द्वारा उसे प्रसूता के परिजनों के सामने डांटकर एवं धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह आशाओं को अपमानित करना न्यायोचित नहीं है। आशा ने बताया कि एक चिकित्सक ने उसे लेबर रूम में घुसते ही जूते बाहर कगोलने के लिए फटकार लगाई। वहीं वापस जब वह लेबर रूम में गई तो उसका वहां काम न होने का कहकर डॉक्टर द्वारा धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। इस पर आशा सहयोगिनियां अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गईं और हंगामा करने लगी। इस दौरान आशा कोऑर्डिनेटर राकेश भाटी भी पहुंचे और संबंधित चिकित्सक से मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश की। आशाओं का कहना है कि आए दिन चिकित्सकों द्वारा आशाओं को चिकित्सकों द्वारा अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आशाएं इस तरह का दुर्व्यवहार सहन नहीं करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि मामले को लेकर CMHO को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की जाएगी। मेरा नाम गोमी देवी आशा सेवनी, वार्ड संख्या 12 सी में बोल रही हूँ। मैं शुक्रवार को 13 तारीख को यहाँ आई थी एक प्रसूता को लेके, प्रसव पीड़ा में लेडीज थी जो उनको लेके यहाँ आई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उस डॉक्टर ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। क्या बोला? तो डॉक्टर ने बोला, पहले तो मैं अंदर गई तो मुझे बोला, ए जूते बाहर खोल के आ, पहले शब्द में यही बोला। तो मैं चुपचाप उठ गई, जूते बाहर खोल के आई। हालांकि डॉक्टर के खुद के पहने हुए थे जूते और NM सारे स्टाफ के पहने हुए थे और मुझे शब्द ये बोला पहले कि ए जूते बाहर खोल के आ। कौन तो मैं डॉक्टर जोगिंदर नाम करके है, कोई नया आया है वो डॉक्टर था। तो मैं जूते खोल के चुपचाप वापस आई, वापस अंदर गई तो मुझे बोला कि तुझे शर्म नहीं है? मैंने क्या बोला? तो मैंने कहा, सर मैंने क्या किया? मैं नर्स आशा हूँ सर, आप शायद मुझे नहीं पहचानते हो, मैं आशा हूँ और मैं डिलीवरी को लेके यहाँ आई हूँ जो डिलीवरी कराने के लिए। तो क्या आशा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप बाहर जाओ। तो मैंने कहा, भाई हमारे विश्वास के ऊपर लोग आ रहे हैं सर। तो ऐसे करके मैं मुझे बाहर निकाल दिया पहले तो दोबारा वो अंदर गई तो लेडीज को नीचे बैठी थी, लेडीज आंगने में वो था नहीं, बेड वगैरह था नहीं, तो वो नीचे बैठी परसों पीड़ा में तड़प रही थी। तो उनके घर वाले आए तो उन्होंने बोला कि मैडम ये क्या है, हमारे लेडीज तो नीचे बैठी है, अगर डिलीवरी यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कराए तो हम बाहर लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं गई वापस, वापस गई तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाला कि तुझे शर्म नहीं है, बार बार कहा जा रहा है तू बाहर जा बाहर जा, आशा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी अब ये मांग है कि हमारे वो जो मरीजों के सामने हमें अपमानित ना करे, जो हमारा काम प्रभावित होता है, हम सारा काम करते हैं डिलीवरी का, जैसे 9 महीने तक गर्भवती के पीछे घूमते हैं, उनकी सारी जांचें कराते हैं, टीकाकरण कराते हैं, और डिलीवरी के समय हमें लेबर रूम से बाहर निकाला क्यों जा रहा है? क्योंकि हम किन से मिलोगे अभी आप? हम CMHO साहब से मिले। पहली बार हुआ या पहले भी कई बार हो चुका? कई बार हुआ है, बाकी वाली आशाओं के साथ भी हुआ है। पहले नहीं होता था, अब महीना भर हुआ है, लगातार आशाओं के साथ ही हो रहा है। सबके साथ हो रहा है, यही है, एक ही यही डॉक्टर साहब। बाड़मेर से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ हर पल अपडेट।